नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme Narzo N65 5G versus Moto G64 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो N65 5G में 6.52 इंच जबकि G64 5G में 6.36 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि N65 5G से कम है। विड्थ की बात करें तो N65 5G में 3 इंच जबकि G64 5G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि N65 5G से कम है। बात करें थिकनेस की तो N65 5G में 0.31 इंच जबकि G64 5G में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि N65 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो N65 5G में 190 ग्राम जबकि G64 5G में 192 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो N65 5G में 6.67 इंचेस जबकि G64 5G में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन N65 5G में 720x1604px HD+ और G64 5G में 1080x2400px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो N65 5G में 85.23% जबकि G64 5G में 85.53% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो N65 5G में 264 पिक्सेल प्रति इंच जबकि G64 5G में 405 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो N65 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है। और G64 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो N65 5G में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और G64 5G की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो N65 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और G64 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो N65 5G में Mali G57 MC2 जबकि G64 5G में IMG BXM8-256 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो N65 5G में MediaTek Dimensity 6300 और G64 5G में MediaTek Dimensity 7025 मिलता है। बात करें RAM की तो N65 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB की RAM मिलती है, जबकि G64 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 8GB, 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो N65 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि G64 5G में 2 विकल्प देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो N65 5G में अप टू 2TB जबकि G64 5G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी N65 5G में 5000 mAh जबकि G64 5G में 6000 mAh देखने को मिलती है।
आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो N65 5G में दो कलर्स जबकि G64 5G में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो N65 5G में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें G64 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme Narzo N65 5G में 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Moto G64 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में G64 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme 12 5G है, दूसरा Samsung Galaxy M14 4G है, तीसरा Samsung Galaxy M15 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y200e 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।